मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री आज बयान देने वाले हैं। राजनाथ सिंह संसद में हादसे पर पूरी जानकारी देंगे। संसद के जरिए देश को दुर्घटना से अवगत कराया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बिपिन रावत के परिवार से भी मुलाकात की। कल सेना प्रमुख नरवणे ने भी घर जाकर शोक जताया है। सीजीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के कुर्नूर में कल बड़ा हादसा हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सीजीएस का हेलीकॉप्टर सुलूर के आवे बेस से निकला था, सीजीएस को लेकर वेलिंगटन सैंड बेस जा रहा था। हेलीकॉप्टर में सीजीएस की पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में वायुसेना जांच कर रही है, लेकिन कारणों का पता नहीं चल पाया कि आखिर क्या कुछ कारण रहा, क्या टेक्निकल इशू था या फिर वेदर की वजह से। इस तमाम पर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन बड़ी क्षति हुई है देश को, बड़ी क्षति हुई है भारत को, क्योंकि पहले सीरियस बिपिन रावत का निधन हो गया है हेलीकॉप्टर क्रैश में। तमिलनाडु को कुन्नूर में कल ये बड़ा हादसा हुआ, कुछ 13 लोग उसमें सवार थे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी देंगे, देश को अवगत कराएंगे इस पूरे हादसे के बारे में। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि कल रक्षा मंत्री ने परिजनों से मुलाकात की थी, वहां पर पहुंचे थे वो। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजीएस का हेलीकॉप्टर सुलूर के आर्मी बेस से निकला था, इस दौरान सीजीएस को लेकर के वेलिंगटन सैन्य बेस जा रहा था हेलीकॉप्टर, जब ये बड़ा हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर में सीजीएस की पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। ये भीषण हादसा हुआ है कुन्नूर में, जहां पर पहले सीजीएस, देश के पहले सीजीएस बिपिन रावत शहीद हो गए। तमिलनाडु के कुन्नूर में कल ये बड़ा हादसा हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन कारण क्या कुछ रहा, मौसम की वजह से हुआ, तकनीकी खराबी थी, इन तमाम बातों पर अभी भी संशय बना हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में सीजीएस की पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। तो कुन्नूर में ये बड़ा हादसा हुआ है, भीषण हादसा हुआ है, देश को भारी क्षति पहुंची है। तमिलनाडु के कुन्नूर में कल बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें सीजीएस बिपिन रावत सवार थे, ऊटी जा रहे थे, इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश के लिए बेहद दुखद खबर, भारी क्षति देश को, पहले सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया, और ऐसे में तमिलनाडु के कुन्नूर में कल ये बड़ा हादसा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे मामले को लेकर के आज संसद में जानकारी देंगे, देश को अवगत कराएंगे इस पूरे हादसे के बारे में। तो वहीं कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के परिजनों से भी मिलने पहुंचे थे। बड़ी और अहम जानकारी लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी उर्वशी का, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। उर्वशी, जिस तरीके से देश को भारी क्षति पहुंची है, लेकिन अभी भी कारणों का पता नहीं चल पाया है, क्या कुछ अपडेट है इससे पूरी खबर पर? ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, किस प्रकार से हुआ है, उनका जो आउटलुक में कुछ है वो नहीं बता रहे हैं, और किस तरह से बहुत ही भयावह तरीके से ये क्रैश हुआ। अब अगर हम बात करें जनरल बिपिन रावत की, तो एक जो फायर ऑफिशियल थे जो टाइम पे वहाँ पे पहुँच पाए, उनके बयान के हिसाब से जो है बिपिन रावत अलाइव थे जब ये पूरा क्रैश हुआ, और जब उन्हें बाहर निकाला जा रहा था तब वो एटलीस्ट अपना नाम बता पा रहे थे, ऐसे होश में थे। उनके साथ जो है कैप्टन वरुण सिंह भी थे, जो फिलहाल जिनके ट्रीटमेंट चल रही है और उन्हें बर्न हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये उनके एक फायर ऑफिसर जो टाइम से मौजूद हुए थे, टाइम पर पहुंच गए थे, उनका ये कहना है। आज जो है जनरल बिपिन रावत और उनकी जो पत्नी है मधुलिका, उनके मॉर्टल रिमेन्स पहुंचेंगे, और जो लास्ट राइट है वो आज के दिन होनी है। जनरल बिपिन रावत की अगर हम बात करें तो अपने आप में बहुत ही ऐसे इम्पोर्टेंट
और स्ट्रांग पर्सन रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्लडी तरीके से हमेशा से उन्होंने कोई भी डिसीजन हो या कोई भी बातचीत हो तो बात की है। ऐसे में हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो एक घटना हुई है उससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अब चुनौती है इतने हाई स्टैंडर्ड लेवल पर किसी को फिर से जो है CDS के तौर पर नॉमिनेट करना या उन्हें इलेक्ट करना। आज पूरा देश शोक से भरा हुआ है, जिस प्रकार से मौन कर रहा है, जिस प्रकार से ये पूरी की पूरी घटना बहुत ही अनटाइमली और अनफॉर्चुनेटली जो हुई है उसको लेकर। जी बिल्कुल उर्वशी, अगर ग्रुप कैप्टन की बात की जाए तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई और जानकारी सामने आ पाई है? हाँ, अगर हम बात करें जनरल ये जो कैप्टन वरुण सिंह है उनकी, तो उनके ऊपर ट्रीटमेंट फिलहाल चल रहा है। उनकी सिचुएशन का के अपडेट अब तक नहीं आए हैं, पर हाँ कल जिस प्रकार से ट्रीटमेंट हो रही थी और जो क्रैश हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर था, तो ऐसे में जो बर्न्स है वो हाई लेवल के बर्न्स है, उसको हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ट्रीटमेंट चल रही है। वहीं वेलिंगटन हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर दिया गया है और वहीं से जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी जी उर्वशी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।